और किसान मित्रों, आज वेस्ट डिकम्पोजर का एक नया प्लांट गांव 3 LGM तहसील श्री विजयनगर में लगाया गया है श्रीमान भूपराम जी सुथार के खेत में। वेस्ट डिकम्पोजर का ऑटोमेटिक प्लांट, तो इसको समझने के लिए चलते हैं अब भूपराम जी के पास, और साथ में मिस्त्री है श्रीमान सुरेंद्र जी देवरथ। तो इनके द्वारा एक प्लांट तो 13BLD B के अंदर लगा हुआ है इनके हाथ से, और आज सेकंड प्लांट इनके हाथ से बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं प्लांट दिखाता हूं आपको, इनसे थोड़ा ठहर के बात करेंगे। तो ये मोटर है 1 हॉर्स पावर की और 1x1 की, यानी इनपुट और आउटपुट, यानी इनलेट और आउटलेट जो है वो दोनों 1 के हैं। ये टंकी से, टंकी को भरने के लिए, सभी टंकियों को भरने के लिए ये वाल लगा हुआ है जो कि इधर पक्के खाड़े के अंदर लगाया हुआ है। तो इसमें से पानी भरने का सिस्टम है, और ये मोटर है, और ये इनका आउटपुट हो गया, एक इनलेट हो गया, एक आउटलेट हो गया। तो ये मोटर को भी अलग से अपने रिपेयरिंग के लिए अगर खोलना चाहें तो यूनियन लगे हैं, यूनियन को खोल करके मोटर को अलग किया जा सकता है। तो ये सारा ऑटोमेटिक प्लांट, अब ये देखिए आप, एक इनलेट और एक आउटलेट है, जो कि पहले भी कई वीडियो में बताया जा चुका है 13BLD B के प्लांट का, सेम उसी पर आधारित ये प्लांट बनाया गया है। इसमें वही सिस्टम है जो प्रत्येक टंकी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों टंकियों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये 2 का वाल लगा है, 2 से जॉइंट किया हुआ है। इसी तरह इस टंकी में, और ये स्प्रे ड्रम से स्प्रे करने के लिए ये वाल छोड़ा गया है, इसके आगे पाइप लगा करके ड्रम को भरा जा सकता है 50%, और 50% पानी मिला करके फोलियो स्प्रे की जा सकती है। और ये छोड़ा गया है खेत में भेजने के लिए, तो इसके आगे पाइप लग जाएगा और खाले के साथ, यानी पानी के साथ भेजा जाएगा। तो ये डबल वाल लगे हैं, एक फिक्स और एक नाप करके, यानी कितने लीटर पानी प्रति मिनट खेत में भेजना है उसके लिए लगाए गए हैं। एक ये वाल देख रहे हैं आप, इनलेट और आउटलेट दोनों को जोड़ा है, ताकि कभी भी टंकी का वाल खोलने के बावजूद भी कई बार अंदर से ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए ये वाल लगाया गया, इनलेट और आउटलेट दोनों साथ में। तो मोटर जैसे ही पानी उठाती है इस वाल को खोल दें और इधर वाला वाल खोल दें, तो टंकी के जो ब्लॉकेज है पाइप की, उसको भी खोला जा सकता है, इसके लिए ये लगाया गया। ये देख रहे हैं आप, नहीं आवश्यकता हो तो इसको वापस बंद कर दें, लाइट न हो तो भी इस वाल को खोलने से सीधा पानी खेत में भेजा जा सकता है, लाइट हो तब ये इस वाल को बंद रखा जाए। ये बड़ी बड़ी टंकियां देख रहे हैं आप, ये 3000 लीटर की एक टंकी है बड़ी वाली, ये 3 टंकियां हैं जो कि वेस्ट डिकम्पोजर इनमें तैयार किया जाएगा। तीनों टंकियों को आपस में जोड़ा गया, तीनों को टंकियों को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रत्येक टंकी को अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है, तो ये 9000 लीटर हो गया, और
एक एक हजार लीटर इनमें एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये चार चार हजार लीटर मानो तो चार तीन बारह हजार लीटर का ये प्लांट है। और ये छोटी टंकियां जिनमें उत्पाद तैयार किए जाएंगे, तो ये आज ही फिटिंग कंप्लीट हुई है, इसलिए इसका वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अन्य किसान कोई वेस्ट डिकम्पोजर का ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहे तो वो इस तरीके को देख करके लगा सकता है। इनमें भी वही सिस्टम है, प्रत्येक टंकी को अलग अलग मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, तो ये 500-500 लीटर की है, तो इनमें अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे भूपराम जी के द्वारा। तो ये छह टंकियां हैं, इनमें अलग अलग उत्पाद तैयार होंगे, जैसे पत्थरों का रस है, कीट नियंत्रक है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, पत्तियों का रस है, इस तरीके से अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे। अब इनसे भूपराम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा आकर के किसानों को बताएं। मिस्त्री जी आप भी पधारो, सुरेंद्र जी देवरथ जो कि 13 BLM से हैं या नजदीक ही है, तहसील श्री विजयनगर। तो ये सारा प्लांट जो देख रहे हैं आप, ये प्लास्टो कंपनी का लिया गया है, सारा मेटेरियल इसमें प्लास्टो कंपनी का लगाया गया है ताकि प्लांट की मजबूती रहे और लॉन्ग समय तक टंकियां और पाइप और वाल लंबे समय तक चलें। तो इस तरीके से किसान भाई बना सकते हैं जहर मुक्त खेती करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा। तो ये भूपराम जी हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, भूपराम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका गांव कौन सा है जी? अपना गांव 3 LG में है जी, श्री विजयनगर तहसील में। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का प्लांट लगाने की आपके मन में कैसे आई? देखो जी, अपने यहाँ पे 13 BLD में चितरंजन जी है, उन्होंने लगा रखा था, उनके शौक से, उनके कहने से हमने भी सोचा चलो हम लगाएंगे प्लांट, ये जहर मुक्त खेती करेंगे, जरूर करेंगे। पहले भी हमने 2 बीघा की थी, छोटा प्लांट था, टंकी से बनाई थी, अब थोड़ा बड़ा प्लांट बनाने, अब इन्होंने बड़े स्केल पर ये प्लांट बनाया है। हाँ जी, पहले ये वेस्ट डिकम्पोजर से ही खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती, तो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इन्होंने ऑटोमेटिक प्लांट लगा लिया है, और मैं और किसानों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी ऐसे जहर मुक्त खेती करें। जी बहुत बढ़िया, अच्छा संदेश। तो सभी से निवेदन है कि वो जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़े। आज कितनी बीमारियां फैलती जा रही है उसका कारण सारा कीटनाशक और पेस्टिसाइड है, इसलिए इनको बंद करके और जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए। और वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जो कि इतना पावरफुल और इतना नेचर को ऑर्गेनिक बनाता है जिसकी सीमा नहीं है, चाहे भूमि हो, चाहे फसलें हो, चाहे आस पड़ोस का वातावरण हो। तो ये वातावरण को शुद्ध करता है, तीन ही शब्द के अंदर इसका गुणों का समावेश हो जाता है, जल थल वायु, ये सभी के प्रदूषण को मिटाता है, यानी जल थल वायु के प्रदूषण को मिटाता है। तो जल थल वायु में सारी चीजें आ जाती है, तो ये बहुत बढ़िया उत्पाद है और ये जैविक खेती कर रहे हैं। तो इनका ये इधर कॉटन भी है, ये बहुत बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, इन्होंने जैविक तरीके से कर रखा है कॉटन। इधर ये पशुओं के लिए हरा चारा है। गांव वो दिखा दो, ये गांव के बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 LGM गांव के बिल्कुल नजदीक है। कोई देखना चाहे तो आ सकता है, कोई भी किसान भाई देखना चाहे तो आकर के देख सकता है। ये 3 LGM के वासिंदे हैं श्रीमान। हाँ शुभ नाम जी आपका? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, वाह जी वाह, क्या बात है, आप भी प्लांट देखने के लिए पधारे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। आप लोग भी जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़िए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, चाहे पशु हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। आज जहर वाली खेती करने से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने पशुधन बीमार हो रहे हैं, कितने इंसान बीमार हो रहे हैं, तो इस बात को सोच करके जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ा जाए।
तो इस दिशा के अंदर ये प्लांट लगाया गया है। तो आप गांव के निवासी हो, आप इस प्लांट के बारे में क्या कहना चाहेंगे भूपराम जी के बारे में? बहुत ही अच्छी इनके योजना में बहुत ही अच्छा इनका योगदान है, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। ये जहर वाली खेती है जो हम खार पी रहे हैं इनको, अभी ये हमारे को जो खाने पीने की जैसे कणक वगैरह वगैरह जो चीजें मिलेंगी, दलहन की खेती है जैसे, तो वो हमारे को जहर मुक्त मिलेगी जो भी चीजें हैं उनके, जैसे बढ़ती हुई बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा इनका कदम है आगे। बहुत बढ़िया, सुंदर संदेश आपने दिया और ये गांव के बिल्कुल नजदीक है, गांव के जस्ट उत्तर साइड के अंदर है और बीच में ये आपके पक्का खाला जा रहा है। तो ये कितने एलजीएम का? 3 LGM का जी। हाँ, ये 3 LGM का खड़ा है जो गांव के अंदर से आ रहा है। तो कोई भी प्लांट को देखना चाहिए तो 3 LGM आकर के इस प्लांट को अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है। मिस्त्री जी आप आओ, आपसे भी बात नहीं की, ऊपर आइए आप। आ जाओ। हाँ भूपराम जी, और कोई संदेश देना चाहेंगे किसानों को? हाँ जी, किसानों को ये संदेश है कि आगे ये जहर मुक्ति खेती ही अपने को करनी है। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया संदेश किसानों का। तो ये चीज जरूरी है। हाँ जी, तो आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से और इस जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़िए। तो आप वेस्ट डिकम्पोजर कितने समय से यूज कर रहे हैं? हम जी 2 साल से यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गांव का बच्चा भी है, ये भी देखने के लिए आया है जहर मुक्त खेती। तो ये ऑटोमेटिक प्लांट है, कोई भी लगाना चाहे तो इस तरीके से लगा सकता है। इस प्लांट को समझने के लिए यहां आकर के अच्छे से भूपराम जी से समझ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चित्रंजन सिंह लील की, चक 13 BLDB, तहसील श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।